पूनम ढिल्लो का कहना है कि उनके लुक के लिए मिली तारीफ उन्हें परेशान करती है। जी हाँ, पूनम ढिल्लो ने याद किया है कि फिल्म इंडस्ट्री में अपने शुरुआती सालों में उनके लुक्स के लिए उन्हें लगातार तारीफ मिलती थी, लेकिन ये कुछ ऐसा था जो उन्हें बहुत परेशान करता था। बता दें, एक्ट्रेस ने साल 1978 की फिल्म त्रिशूल से अपनी शुरुआत की, जब वह सिर्फ 16 साल की थी और उन्होंने बड़ी लोकप्रियता हासिल की। हालांकि उन्हें जो तारीफें मिलती थी वे उनकी एक्टिंग स्किल्स की तुलना में उनके लुक्स के बारे में ज्यादा होती थी। और हाल ही में हुए अब एक इंटरव्यू में पूनम को उन्हें मिली एक ऐसी तारीफ के बारे में बताने को कहा गया जो उन्हें हमेशा मिलती है, साथ ही एक ऐसी आलोचना के बारे में बताने को कहा गया जो उन्हें बहुत परेशान करती है। पूनम ने कहा कि दोनों सवालों का जवाब उनके लुक की तारीफ है। जी हाँ, उन्होंने कहा, मुझे जो तारीफ मिलती थी वह थी ओह यू आर सो ब्यूटीफुल, और क्रिटिक्स भी यही लिखेंगे। मुझे लगता है कि ये कैसी तारीफ है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। ये चेहरा, यह स्किन, ये बाल या जो कुछ भी है भगवान का गिफ्ट है, मेरे पेरेंट्स का गिफ्ट है। इसलिए मैं अपनी एक्टिंग के लिए तारीफ चाहती थी, न कि लुक्स के लिए। वो तारीफ मुझे परेशान करती थी। ये पूछे जाने पर कि कभी भी उन्हें अपनी एक्टिंग के लिए सीरियसली नहीं लिया गया तो पूनम ने कहा, शुरुआत में मैं वास्तव में एक्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी क्योंकि मैं 15-16 साल की थी, मैंने कभी एक्टिंग नहीं की थी, इसलिए मैं बहुत रॉ और इनएक्सपीरियंस थी। लेकिन जब मैंने एक्टिंग को समझना शुरू किया और देना शुरू किया तो ऐसा लगा कि ये तो बहुत सुंदर है, आगे बढ़ो। लोगों को ये समझने में कुछ साल लग गए कि इसकी भी जरूरत है। बता दें, पूनम अपनी अगली फिल्म प्लान ए प्लान बी के रिलीज के लिए तैयार है, जिसमें वे रितेश देशमुख और तमन्ना भाटिया के साथ नजर आएंगी। फिल्म 30 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर शुरू होगी। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान स्टारन विक्रम वेदा में भी दिखाई देंगी। खैर, इस खबर में तो बस इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।